Hallelujah. Worship you, Jesus of Nazareth. Lord, we exalt your name. Lord, we praise you and we magnify you. Hallelujah. Hallelujah. King of kings and Lord of lords. Magnify your name. King of kings and Lord of lords. We exalt you, exalt you. King of kings and Lord of lords. We exalt you, exalt you, exalt you. We exalt you, exalt you, exalt you. Exalt you, exalt you, exalt you, exalt you. We exalt you, exalt you, exalt you. We exalt your name, exalt your name, exalt your name, exalt your name. We exalt your name, exalt your name, exalt your name. We exalt your name, King of glory, hallelujah. King of glory, hallelujah. King of glory, hallelujah, hallelujah. We exalt your name, exalt your name, exalt your name. We worship you. We magnify your name. Lord, we bring you evening sacrifice. Lord, we bring you praise, we bring you glory and honor, Lord God. We bring before you our hearts that are empty. But Lord, you can fill them with gratitude and praise. Lord, you can fill our hearts with your presence and make our hearts overwhelming, overflowing, Lord. Overflowing hearts to give you gratitude. And give you appreciation. Hallelujah. We bless you, Lord. Magnify you, Lord of glory. We magnify you. We magnify you. Magnify you. We magnify you, Lord of glory. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, King of glory, hallelujah. Hallelujah, exalt you, exalt you, exalt you. Worship you, Jesus. Worship your name, Lord. Worship you, worship you, worship you. Jesus of Nazareth. Worship your name. Shalom. Hallelujah. Lord, we worship your name. We exalt you, Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका प्रभु हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु हम आपके जलाली नाम को सज्जा करते हैं प्रभु हम आपकी महिमा गाते हैं आपकी स्तुति गाते हैं प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं हालेलुया आप महान हो आप दयालु हो आप सामर्थी हो प्रभु आप करुणा निधि हो हालेलुया प्रभु आप दया से प्रेम से अनुग्रह से भरे परमेश्वर हो हम आपकी शरण में आते हैं प्रभु हालेलुया आप हमारी शरण हो प्रभु हम आपकी शरण में आते हैं आप ही तो हमारी शरण हो प्रभु आप ही तो हमारे निवास स्थान हो प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह आपके पास आते हैं यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह आपकी भलाइयों के लिए दया के लिए प्रभु जी आपने हमारे पापों के मुआफिक हमें सेवा नहीं दिया वरना जितना पूर्व से पश्चिम दूर है उतनी दूर आपने हमारे पाप कर दिए
भाइयों बहनों, नॉर्थ और साउथ पोल को तो आप भूल सकते हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट जो है ये इटर्निटी है। ईस्ट और वेस्ट पोल आप ढूंढ नहीं सकते, आज तक विज्ञान ढूंढ नहीं पाया पूर्व और पश्चिम के पोल्स को, नॉर्थ और साउथ के पोल ही केवल ढूंढे जाते हैं। तो देखिए कितना अद्भुत है परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एज ईस्ट इज फार फ्रॉम द वेस्ट, जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उर्दू में कहते हैं मगरिब से मशरिक दूर है, उतनी दूर उसने हमारे गुनाह कर दिए। मतलब ईस्ट और वेस्ट को आप ढूंढ ही नहीं सकते, वो इनफिनिटी है, वो इटर्निटी है, उतनी दूर यहोवा ने हमारे पाप हमारे से कर। आपको मालूम सबसे अद्भुत खुशी है पापों को मिटाया जाना, धुल जाना। मैंने आपको बताया मिकवा का मतलब होता है धुलना, लेकिन तबीला, मिकवा और तबीला ये दो यहूदी लोगों की रिचुअल थे, शुद्धिकरण थे। मिकवा का मतलब असल में होता है बॉडी ऑफ वाटर, अ पूल ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते पानी का चश्मा। मिकवा बहते पानी की कलेक्शन, और तबीला का मतलब उसमें इमर्स होना, उसमें डूब जाना पानी में। तो ये शुद्धिकरण को दिखाता है। जैसे हमारे देश में भी लोग अलग अलग नदियों में स्नान करते हैं और मानते हैं कि विशेष समयों पे स्नान करने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया। तो उसने हमारे पाप हमारे से इतनी दूर कर दिए और हमें धो दिया अपने दर्द से, उसके खून में हमारा तबीला हुआ, मिकवा हुआ, लहू में उसके लहू का बपतिस्मा हमें मिला, और उसने निर्मल जल के पानी से धोया हमें, कलाम का बपतिस्मा हमें दिया। हालेलुया। और उसने अपनी मौत का बपतिस्मा हमें दिया। जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। मसीह की मौत की समानता में हम ढले, मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाए गए, कब्र में गाड़े गए, आलम अरवा में मुर्दों की दुनिया में उतरे, और तीसरे दिन बाद मसीह के संग जी उठे। इसलिए जब हम मसीह के संग जिंदा किए गए हम नई जिंदगी की चाल चले, पुरानी जिंदगी खत्म, पुरानी सोचे, पुराने ख्याल, पुरानी लाइफस्टाइल खत्म, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। भाइयों बहनों, जब हमारे गुनाह धो दिए जाते हैं बर्बे के खून में और हमें नई जिंदगी मिलती है, तो वो आजादी जो हमारे अंदर आती है उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत किस्म का आनंद जो हमें मिलता है। हालेलुया। आइए उस आनंद के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अगर वो आनंद अभी तक आपको नहीं मिला है तो अभी आप तौबा कर लें, अभी आप घुटने टेकिए, यीशु मसीह को जीवन दें और वो अद्भुत आनंद से वंचित ना रहे। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज शाम की प्रधान हम कुर्बानी आपके जीवन में लाते हैं, अपनी देहों को अर्पण करते हैं, रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन के अनुसार अपने शरीरों को जीवता, मन भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं आपको। हालेलुया। अपनी हजूरी से हमें भरिए खुदावन, आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, पढ़िए लेवी व्यवस्था, लिविटिकस चैप्टर नंबर 17, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 6 वचन, लिविटिकस 17:6। सुनिए कितना अद्भुत वचन है। लिविटिकस 17 वर्स नंबर 6, एंड द प्रीस्ट शैल स्प्रिंकल द ब्लड अपॉन द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड एट द डोर ऑफ द टैबरनेकल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन एंड बर्न द फैट फॉर अ स्वीट सेवर अन टू द लॉर्ड। क्या करेगा महायाजक? जानवर के ब्लड को स्प्रिंकल करेगा ब्रेजन ऑल्टर पे, जो टैबरनेकल के डोर पे है, खून के नीचे लेकर आएगा। किसे? पाप को। इसलिए खून बहाया जाता था कफार, मैंने आपको बताया,
कफार का मतलब अटोन करना, पापों को अटोन करना। कफार का मतलब कवर करना, ढांक लेना। यही बात लिखराज ने आपको बताया था पत्रस अपनी पत्री में, लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिन। प्यार बहुत सारे पापों को ढांकता है, कफार करता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम रखो, जो कि हमें इस समय कलीसियाओं में, विश्वासियों में और पासवानों में दिखाई नहीं देता है। लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिन, कफार करता है प्यार। परमेश्वर का प्यार है यीशु मसीह, परमेश्वर के प्यार की एम्बॉडीमेंट है यीशु मसीह, और यीशु मसीह अटोन करता है दुनिया के पापों को, कफारा बनता है। हालेलुया। आपको मालूम जब नूह ने वो आर्क बनाई, बहुत बड़ी मास्टर कश्ती बना ली, उसे यहोवा बुद्धि देता था कैसे बनानी है। उसने यहोवा की दी डायरेक्शन पे बनाई और इतने मास्टर आउटपोर हुआ पानी का और वो डूबी नहीं। लेकिन आपको मालूम यहोवा परमेश्वर जब उसकी वो नाव आर्क बन गई तो यहोवा परमेश्वर ने एक अद्भुत काम करने के लिए कहा। यहोवा परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा ये जो बोट बड़ी मासिव आर्क तूने बनाई है, इस आर्क को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, परमेश्वर ने कहा अंदर से और बाहर से इस आर्क को, हिंदी में लिखा राल, हिंदी में राल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है पिच, इंग्लिश में लिखा है पिच, पिच पिच इंग्लिश का वर्ड है पिच। हालेलुया। तो पिच के लिए जो वर्ड है ना हिब्रू में, अगर आप पढ़ेंगे ना जेनेसिस चैप्टर नंबर 6, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय निकालिए और मैं उसके 13 वचन से पढ़ता हूँ, आप सुने। एंड गॉड सेड अनटू नोआ द एंड ऑफ ऑल फ्लैश हैज कम बिफोर मी, द अर्थ इज फिल्ड विद वायलेंस थ्रू देम, एंड बिहोल्ड आई विल डिस्ट्रॉय देम विद द अर्थ। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि सबका अंत आ गया, अब मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। तो 14 वचन में क्या कहते हैं प्रभु? मेक द एन आर्क ऑफ गोपर वुड, रूम्स शेल्ट दाउ मेक इन द आर्क एंड शेल्ट पिच इट विद इन एंड विदाउट विद पिच। हालेलुया। क्या कहा यहोवा परमेश्वर ने? कि आर्क के कंपार्टमेंट बनाना, रूम्स बनाना, और उसको पिच से, पिच ही यहां पे इंग्लिश वर्ड है पिच, लेकिन आपको मालूम हिब्रू वर्ड क्या है इसके लिए? हिब्रू वर्ड है कफार। ये जो पिच बनाई जिसे राल लिखा हिंदी में, नूह की जब आर्क बन गई उसको पूरी तरह बाहर से और अंदर से पेंट किया गया है, और वो जो पेंट है वो लाल रंग का है, रेड क्रिम्सन है, और ये पिच अंदर भी लगाई गई बाहर भी लगाई गई, और हिब्रू वर्ड है कफार। कफार का मतलब वो ब्लड जो ऐब के संदूक के ऊपर आर्क ऑफ द कवनेंट पे उड़ेला जाता है, उसे सीट ऑफ कफार कहा जाता है। अटोन, अटोनमेंट। प्रभु ने कहा बोट को अंदर और बाहर से अटोनमेंट का ब्लड लगाना है, सिंबॉलिकली राल पिच लगाना है। वो बोट आपको मालूम डूबी क्यों नहीं? और उसपे सारे जानवर सब बच गए और लू और उसके घर के 8 लोग बच गए, क्योंकि उस बोट को, आर्क को अंदर और बाहर से कफार किया गया, कवर किया गया था ब्लड में। हालेलुया। अगर आप अंदर और बाहर से कवर्ड है ना ब्लड में, तो भाइयों बहनों आपका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
आप अंदर से सील और बाहर से सील होने चाहिए यीशु मसीह के ब्लड, फिर आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। वो बोट इसलिए सेल कर गई, डूबी नहीं, क्योंकि एक तो उस बोट को बनाने वाला खुद यहोवा है जो नूह को इंस्ट्रक्शंस देता है, और उस बोट को अंदर और बाहर से ब्लड से प्रिजर्व किया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का कफारे का लहू हमारी सुरक्षा है, यीशु मसीह के खून का कफार हमें बचाता है। तो मैंने जो 17 वचन लिविटिकस में से 6 वचन आपके लिए पढ़ा, यहाँ पे प्रभु कहता है बर्न द फैट फॉर ए स्वीट सेवर अन टू द लॉर्ड। प्रभु ने याजकों को फैट खाने से मना किया। विज्ञान ने तो अब ढूंढा ना कि फैट के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है जो ठीक नहीं हेल्थ के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा फैट को बर्न करना मेरे लिए ये सुगंध रूपी खुशबू हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्पत्ति जनसेस चैप्टर नंबर 4 में दो भाई हैं, कैन है हाबिल है, वो परमेश्वर के आगे ऑफरिंग लाते हैं। परमेश्वर के आगे ऑफरिंग लाना भाइयों बहनों एक सौभाग्य है। परमेश्वर के आगे ऑफरिंग लाना रिचुअल नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है। परमेश्वर के आगे ऑफरिंग लाना धर्म की डिमांड नहीं है। परमेश्वर के आगे ऑफरिंग लाना इंसान का सौभाग्य है, प्रिविलेज है कि आप यहोवा परमेश्वर के आगे जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है उसके आगे ऑफरिंग लेकर आए। आपको मालूम व्यवस्था में एक जगह लिखा है जब तू यहोवा के आगे आए तो खाली हाथ मत आना। डू नॉट कम बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड। और परमेश्वर ने बहुत सी विधियां दी परमेश्वर के सन्मुख कैसे आना है। तो इनको ऑब्वियसली इनके पिता ने सिखाया कि यहोवा के हजूर में ऑफरिंग लेके जाना। तो दोनों भाई ऑफरिंग लाते हैं। कैन जो है वो टिल करता है ग्राउंड को, किसानी करता है। कैन भी जमीन का फल लेकर आया, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे वचन को 4 अध्याय पूरा पढ़िएगा जेनेसिस चैप्टर नंबर 4, कैन जो परमेश्वर के लिए ऑफरिंग लेकर आया, कैन के दिल में परमेश्वर को ऑफरिंग देने के लिए किसी खास तरह की खलूस नहीं है, खास तरह का जुनून नहीं है, खास तरह का एहतराम नहीं है ऑफरिंग में उसका, खास तरह की मोहब्बत नहीं है, इश्क से नहीं ला रहा वो ऑफरिंग। अगर आप पढ़ के देखेंगे ना जेनेसिस चैप्टर 4, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय को पढ़िए वहां पे ध्यान से। कैन और हाबिल दोनों का माइंडसेट देखें। यहां पे लिखा है 3 वचन में, 2 में लिखा कैन वॉज अ टेलर ऑफ द ग्राउंड और हाबिल जो था गडरिया था, 2 वचन में लिखा। 3 में लिखा एंड इन द प्रोसेस ऑफ टाइम इट केम टू पास दैट कैन ब्रॉट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ग्राउंड एंड ऑफरिंग अन टू द लॉर्ड। वो जमीन में से निकले फल लेकर आया यहोवा को चढ़ाने के लिए, लेकिन और कुछ खास बात नहीं लिखी यहां पे। ये लिखा है जमीन का फल लेकर आया, ये नहीं लिखा जमीन का खास फल लेकर आया, चॉइसेस फ्रूट लेकर आया, चुन चुन के लेकर आया। देयर इज नथिंग रिटन, ही जस्ट ब्रॉट, जैसे कि एक लेकर जा रहा रसम पूरी करने के लिए। और किस जमीन का फल लेकर आया? उस जमीन का फल लेकर आया जिसके लिए यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, क्या कहा? यहोवा ने कहा आदम तेरे पाप के कारण जमीन श्रापित है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में प्रभु क्या कहता है, 3:17 में, जेनेसिस चैप्टर 3:17, एंड अनटू एडम ही सेड, यहुआ सेड अनटू एडम बिकॉज दाउ हैज हार्कन अनटू द वॉइस ऑफ दाई वाइफ। तूने किसकी आवाज को सुना है? अपनी बीवी की। पहले किसकी आवाज को सुनता था? यहुआ की आवाज को सुनता था। यहोवा आता था संगति करने, वो यहोवा की आवाज को सुनता था। प्रभु कहता है क्योंकि तूने अपनी बीवी की आवाज को सुना। आपको मालूम उसने दो आवाजें थी, एक आवाज थी यहोवा की, एक थी बीवी की। उसने किसको क्रेडेंस दिया? बीवी की आवाज को।
and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. तो क्या हो गया? तेरे कारण जमीन पे लानत आ गई है. In sorrow thou shalt eat of it all the days of your life. तू दुख की रोटी खाएगा. और प्रभु ने क्या कहा? Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. और 19वें वचन में लिखा, In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return to the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. तू जमीन से लिया गया, जमीन में चला गया. ये फेट होगी एडम की. ये एडम की फेट ना होती, आदम के संग ये ना होता. एडम को ऊपर चढ़ना था स्वर्ग में, लेकिन जमीन में वापस लौट गया और पृथ्वी पे श्राप आ गया. उसी श्रापित जमीन का फल उसका बेटा कैन यहोवा को चढ़ाता है. लेकिन उसका दूसरा बेटा जो है हाबिल, एंड एबल also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and unto his offering. क्या लेकर आया वो? फर्स्टलिंग लेकर आया, पहलौठे लेकर आया वो. कैन यहोवा को क्या चढ़, हाबिल यहोवा को क्या चढ़ाने के लिए लेकर आया? पहले पहलौठे फल, उत्तम फल लेकर आया. यहां पे लिखा है हाबिल भी अपनी भेड़ और बकरियों में कई एक पहलौठे, एक नहीं लेकर आया, कई एक पहलौठे, पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया. उनकी चर्बी चढ़ाई, चर्बी भेड़ चढ़ाई. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया. मैंने यहां पे वचन पढ़ के आपको सुनाया, लेविटिकस 17:6 में क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था 17:6 में बहुत अद्भुत वचन है जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा. यहां पे लिखा है, एंड द प्रीस्ट शैल स्प्रिंकल द ब्लड अपॉन द ऑल्टर ऑफ द डोर, द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड एट द डोर ऑफ द टैबरनेकल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन एंड बर्न द फैट. दो चीजें हैं, ब्लड चढ़ाएगा याजक. क्या करेगा? ब्लड छिड़केगा और चर्बी जला के यहोवा को सुगंधित रूप में चढ़ाएगा. चर्बी जल के उसकी खुशबू जाएगी यहोवा के पास और ब्लड छिड़का जाएगा. अब कैन की भेंट में देखिए, ना तो कैन की भेंट में जगवेदी है, ना कैन की भेंट में खून है, ना कैन की भेंट में चर्बी है. यहोवा को जगवेदी के ब्लड, क्योंकि खून की ढांकेगा मौत को, पाप को कवर करता है, अटोन करता है, कफार है खून. खून जरूरी है यहोवा के सन्मुख जाने के लिए. खून के माध्यम से यहोवा से भेंट कर सकते हैं आप. मैंने आपको बताया पहला सैमुएल 6:1 के 3 वचन में लिखा है, बेतशेमेश के लोगों ने वो ढक्कन हटा दिया आर्क ऑफ द कवेनेंट का जिसपे खून था. उन्होंने खून के बगैर लॉ को देखा, व्यवस्था को, और मौत आ गई उनके ऊपर. 50,070 लोग मर गए. क्यों? बगैर खून के आप परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था को देख नहीं सकते. मैं और आप बगैर लहू के परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते. परमेश्वर की पवित्र हजूरी मार डालेगी पापी मनुष्य को. कैन ने जरूरत की बगैर ब्लड के. कैन की भेंट में खून नहीं है, कैन की भेंट में जलवेदी नहीं है. कैन का मार्ग क्रूस का मार्ग नहीं है, हाबिल क्रूस के मार्ग से जा रहा है. हालेलुया. हाबिल चुनिंदा भेंटें लेकर आता है, चुनी हुई चॉइसेस. कैन जस्ट रैंडमली ले आता है. आप प्रभु को कैसे देते हो ये आपके दिल को दिखाता है. कितने चाव से, कितने प्रेम से, कितने खलूस से आप यहोवा के लिए भेंट लेकर आते हो, ये दिखाता है आप कितना प्यार करते हो यहोवा को. कैन की भेंट के अंदर वो लगाव नहीं है, वो प्रीति नहीं है, वो प्रेम नहीं, वो समर्पण नहीं है, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी. लेकिन उसका भाई
चुन चुन के पहलौठे लगता है और उनकी चर्बी अर्पण करता है। चर्बी अर्पण करता है यहोवा के आगे, ब्लड उंडेलता है और जानवरों का गोश्त रखता है जगवेदी के ऊपर। तब क्या होता है, यहोवा हाबिल की भेंट ग्रहण करता है। तो कैसे, मैंने आपको पहले भी पूछा, कैसे पता लगता था कि हाबिल किसकी भेंट ग्रहण हुई और किसकी नहीं हुई? बताइए मुझे। वचन में लिखा है द लॉर्ड हैड रिस्पेक्ट अनटू एबल्स ऑफरिंग बट द लॉर्ड डिड नॉट शो एनी रिस्पेक्ट अनटू केन्स ऑफरिंग। क्यों? आप पढ़िए कुछ वचन मेरे साथ जल्दी से। कैसे पता लगा, कैसे ग्रहण हुई भेंट? पढ़िए मेरे साथ जजेस, न्यायियों की पुस्तक में चलिए, जजेस चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 21। सुने, ये आपको मालूम कौन है? गिदाउन को बुलाया जा रहा है, गिदाउन की बुलाहट है ये। खुद खुदावंद यीशु मसीह आया एंजल ऑफ द लॉर्ड में, हामिल अल अदोनाए, हामिल अल मलाक। समझ रहे हैं आप, यहां पे लिखा, इसका पढ़िए आप 6 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय का आप पढ़ लीजिए 21:20 और 21 वचन। सुने, एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड अनटू हिम टेक द फ्लैश एंड द अनलेवेंड केक एंड ले देम अपॉन द रॉक एंड पोर आउट ब्रॉथ एंड ही डिड। देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड पुट फोर्थ द एंड ऑफ द स्टाफ दैट वॉज इन हिज हैंड एंड टच्ड द फ्लैश एंड द अनलेवेंड केक्स एंड दे रोज अप फायर आउट ऑफ द रॉक एंड कंज्यूम द फ्लैश एंड द अनलेवेंड केक। देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड आउट ऑफ हिज साइट। कैसे भेंटें कुर्बान हो, कुर्बानियां और भेंटें कैसे कबूल होती हैं? आग के द्वारा। एलिया ने, पहला राजा उसका 18 वचन, पहला राजा 18 अध्याय निकालें जल्दी से, पहला राजा 18 अध्याय उसका 38 वचन, पहला राजा फर्स्ट किंग्स 18:38। यहां पे क्या लिखा, देन फायर ऑफ द लॉर्ड फेल एंड कंज्यूम द बर्न सेक्रीफाइस एंड द वुड एंड द स्टोन्स एंड द डस्ट एंड लिक्ड अप द वॉटर दैट वॉज इन द ट्रेंच। तब यहोवा की आग स्वर्ग से उतर आई और यहोवा की आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। क्या क्या भस्म कर दिया? पत्थर भी चट कर गई यहोवा की आग, वो जो कुर्बानी थी उसे भी कर गई, बंट ऑफरिंग को, लकड़ियों को भी कर गई, डस्ट भी, डस्ट को भी यहोवा की आग भस्म कर गई और पानी जो भरा था पानी भी भस्म कर गई यहोवा की आग। यहोवा अग्नि के द्वारा भेंटें ग्रहण करता है। पहला इतिहास 21:26 पढ़ लीजिए, पहला इतिहास मैं पढ़ ही देता हूं आपके लिए, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21 अध्याय, राजा दाऊद यहोवा को कुर्बानी चढ़ा रहा है। देखिए पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 21 उसका 21:26, पहला इतिहास 21:26। एंड डेविड बिल्ट देयर एन ऑल्टर अनटू द लॉर्ड एंड ऑफर्ड बर्नट ऑफरिंग एंड पीस ऑफरिंग एंड कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड ही आंसर्ड हिम फ्रॉम हेवन बाय फायर अपॉन द ऑल्टर ऑफ द बर्नट ऑफरिंग। उसने यहोवा के आगे अपने आप को दीन किया, होम बलि मेल बलि चढ़ाई, यहोवा ने कैसे उत्तर दिया? आग के द्वारा। सुलेमान ने भेंट चढ़ाई यहोवा के आगे, दूसरा इतिहास 7:1 पढ़ लीजिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 1 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 7:1। सुने, एंड सोलोमन, नाउ सोलोमन हैड मेड एन एंड ऑफ प्रेइंग एंड फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड कंज्यूम द बर्नट ऑफरिंग एंड द सेक्रीफाइसेस एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द हाउस। सुलेमान जब दुआ कर चुका तो स्वर्ग से आग आई और कुर्बानियों को ग्रहण किया। आपको मालूम 10,000 बैल थे, 120,000 भेड़ें थी, कितनी बड़ी आग उतरी। उसी आग में से हैकल के अंदर 7 दीवट जलाए गए, उसी आग में से ऑल्टर ऑफ इंसेंस के ऊपर कोले जलाए गए, वही आग को प्रिजर्व किया गया। जब मूसा ने खैमा बनाया, तंबू बनाया यहोवा के लिए, तो आपको मालूम क्या हुआ? मूसा ने जो खैमा बनाया उसको डेडिकेट किया यहोवा के लिए और उसने जगवेदी के ऊपर, ऑल्टर के ऊपर कुर्बानी रखी जानवर की, ब्लड स्प्रिंकल किया 7 बार और क्या लिखा है, आग से स्वर्ग से आग आई। ये आग जो स्वर्ग की ऑल्टर है वहां से उतरती है। ये आग चाहिए हमें, इस आग के बगैर कोई काम नहीं है।
इस आग को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। बहुत सी चर्चेज इसे जमीन पे मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। वो ओपरी आग है, स्ट्रेंज फायर है, वो यहोवा के आगे ले जाओगे तो मारे जाओगे। अबीहू और नदाब दो बेटे थे हारून के, दोनों के दोनों मर गए क्योंकि वो यहोवा के आगे ओपरी आग, पंजाबी में ओपरी लिखा है, स्ट्रेंज फायर लेकर गए। बहुत सारे लोग यहोवा को डील करते हैं स्ट्रेंज फायर के साथ। मैं यहोवा की सेवा यहोवा की आग जो स्वर्ग से उतरती उसके बगैर नहीं कर सकता। मेरे जीवन का कोई मायने नहीं अगर आग नहीं है। यहोवा आग से डील करता है। यहोवा के जो ही मेक्स हिज सर्वेंट्स द फ्लेम्स ऑफ फायर, वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आपको आपको आग का शोला बनना है, दहकता हुआ शोला। आपको रोगों बीमारियों लानतों में बांधने के लिए जीवन नहीं दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कसरत की जिंदगी देने आया भाई और बहनों, रोगों बीमारियों से जकड़ा हुआ कमजोर जीवन देने नहीं आया। कुवत से भरा हुआ जीवन, मसा से भरा हुआ जीवन, वो जिंदगी जिसकी छाप पड़ेगी दुनिया के ऊपर। यू नो गॉड विल गिव यू लाइफ दैट विल इम्पैक्ट द नेशंस ऑफ द अर्थ। ही विल गिव यू, ही विल एक्सपैंड योर लाइफ दैट विल टच द नेशंस ऑफ द अर्थ। द लॉर्ड टुक मी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई वॉज नो बॉडी। आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर होम। आई डिड नॉट हैव यू नो एनीथिंग that was credible under my belt. No credential, no laurels, no entitlement. The Lord just took me in his hands. The Lord showed me many, many years ago. I was in the hills of Himachal and I saw a mountain top burning with fire and I heard the Lord say, I will answer you by fire. मैं आग के द्वारा तुझे जवाब दूंगा, खुदावन ने कहा। वो आपको आग से, आपकी बीमारी भस्म हो जाएगी, आपकी कमजोरी भस्म हो जाएगी। आपको भाई और बहनों उस कमजोरी के संग कंप्रोमाइज नहीं करना है, उठना है। आपको आग मांगनी है खुदावन से। आपकी ये देह जो है इसे रोमियों की पत्री 12:2 में लिखा है, इसे जिंदा जीविता मन भाता परमेश्वर को और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। इस आपकी बॉडी की होलीनेस की तीन डिमेंशन है, लिविंग, प्लीजिंग इन द आईज ऑफ द लॉर्ड एंड होली। ये आपको चढ़ाना है परमेश्वर को डेली। तो आपकी इस भेंट को परमेश्वर कैसे कबूल करेगा? आग के द्वारा। डेली आपको आग मिलेगी। तो आग से भरना है हमने, कुवत का लिबास पहनना है, मसा से भरना है रोज, और आगे बढ़ना है खुदावन के लिए। और आपको मालूम ये आग कंटेजियस है। अगर आपको ये आग लगेगी, आप बहुत से लोगों को आग लगाएंगे। तो कंटेजियस अग्नि है ये हेवनली आग, फायर ऑफ गॉड। वी हैव टू लिव इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। खुदावन का कोई भी काम बगैर आग के नहीं होता। मूसा के खेमा की कुर्बानी को आग ने कबूल किया, दाऊद की कुर्बानी को आग ने कबूल किया, सुलेमान की हैकल की डेडिकेशन की कुर्बानी को आग ने कबूल किया, गिदाउन की कुर्बानी को आग ने कबूल किया, सबसे पहली हाबिल की कुर्बानी को यहोवा की आग ने कबूल किया। 120 बदन बैठे थे, दुआ कर रहे थे, पंतेकुस्त के दिन आग ने उन्हें कबूल किया, आग की फटती जीभें उनके ऊपर आके ठहरी। हालेलुया। भाई और बहनों, इन अंतिम दिनों में पाखरू की आग की बात कोई नहीं कर रहा है, पाखरू की मामूरी की बात कोई नहीं कर रहा है, पाखरू की कुवत की बात आजकल कोई नहीं कर रहा है। आजकल कलाम पुलपिट में से पता नहीं कौन सा प्रीच कर रहे हैं लोग। अपोस्टेसी के लिए मैंने आपको बताया वर्ड है एपोस्टासिस, सच्चे कलाम से दूर खींच के ले जा रहे हैं पादरी लोग। वो इंटरनेट वाला मटीरियल प्रीच कर रहे हैं। वो कलाम चाहिए जो पत्रस याकूब यहुन्ना ने प्रचार किया, वो कलाम चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलता है दो धारी तलवार की तरह। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी, शैतान और उसकी सेना एक पल में भस्म हो जाएगी, एक पल में लड़ाई शुरू भी नहीं होगी कि खत्म हो जाएगी।
तो ये हथियार आपको और मुझे भी दिया गया है। आइए कलाम की कुदरत से भरें, पाक रूह की कुवत से भरें, आग मांगे आग, आग में जिए प्रतिदिन, आग में फायर फायर, होली स्पिरिट का फायर। वो फायर फायर नहीं जो बहुत सारे झूठे प्रॉफिटों के सामने लोग करते, फायर 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 फायर। सचमुच में पवित्र आत्मा की प्रचंड अग्नि हमारे लिए रखी है। खुदावन से कहे मुझे फ्लेम ऑफ फायर बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं। शोले है नासरी के हवाएं बुझाए क्यों, खादिम है हम खुदा के बलाएं सताए क्यों। शोले है ना शरीर के, शोले बनी है खुदावन के। वैसी संगति करें जहां पे आग है, शोले हैं। अगर ठंडी संगति में जाओगे आपकी आग भी बुझेगी। फेलोशिप इन द फायर, हालेलुया। खुदावन में एक एक जन पे तेरा खून छिड़कता हूं आज। जिन्होंने रोजे रखे, उपवास रखे, उनमें से एक एक तेरे बेटे बेटी को बरकत दे। जो इस समय ऑनलाइन है, जिन्होंने फास्टिंग की है, और खुदावन जो नहीं है अभी ऑनलाइन, जिन्होंने जो फास्ट में है, उनके ऊपर आज के फास्ट की ब्रेक थ्रू देना खुदावन। मेरे जीवन में भी देना इसका प्रतिफल खुदावन। मैं देखना चाहता हूं ब्रेक थ्रू खुदावन, जो मैं आपके आगे प्रार्थना कर करके मांग रहा हूं ब्रेक थ्रू। वो अपने खादिम को दिखाइए, अपने खादिम के बच्चों को और बीवी को, घराने को दिखाइए वो ब्रेक थ्रू खुदावन। वो आपके आगे मैंने निवेदन विनतियां रखी हैं खुदावन। आप उस बंदे को, लॉरेंस कोल को, लैरी को आपके रूह ने पकड़ा है खुदावन, और आपने ये मौजा किया है। मैं खुदावन ईमान से देखता हूं और आपकी शुक्रगुजारी करता हूं उस बड़ी ब्रेक थ्रू के लिए खुदावंद। ये आपका बहुत बड़ी करुणा का एक टोकन है आपके खादिम के लिए, जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो खुदावंद। आपके इन सब लोगों के लिए जो जो प्रार्थना की विनती है खुदावंद, इन्होंने आपके हजूर में रखी है, और खुदावंद जो बरकतें इनकी शैतान ने चुराई है, यीशु के नाम में मैं उन्हें खोलता हूं। यीशु मसीह के जलाली नाम में उन आशीषों को खोलता हूं, वो बरकतें खुल जाए खुदावंद यीशु के नाम में। खुदावंद इनके दूत फरिश्ते उतरे उन दुआओं का जवाब लेके, चंगाइयां, आशीषे, भरपूरी, मामूरी, खुदावंद फाइनेंशियल ब्लेसिंग, इंक्रीजेस, रेजेस, लॉर्ड ब्लेसिंग अपॉन देयर चिल्ड्रन एंड लॉर्ड द सल्वेशन ऑफ देयर लव्ड वंस हु आर लॉस्ट। आई प्रे फादर दैट योर स्पिरिट विल मूव इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि भेज खुदावंद अपने लोगों पे, रस्ते खोल अपने लोगों के लिए, बंद रस्ते खोल खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद। तुझे हम ब्लेस करते हैं तेरे नाम को, मैं मेरा घराना हम तुझे ब्लेस करते हैं तेरी भलाइयों के लिए खुदावंद। तूने हमारी दुआएं सुनी है, हम ईमान से उन बरकतों को देखते हैं खुदावंद। एंड वी स्टैगर नॉट बट वी रिमेन इनमूवेबल के लाइक अ फादर इब्राहिम वॉज। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। अगर आपने प्रभु भोज तैयार रखा है तो हम होली कम्युनियन करने जा रहे हैं। आप अपने होली कम्युनियन के एलिमेंट को ले लीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे लहू की जय, जलाली खून की जय जयकार। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन की आखिरी रात फसा को मनाया। उसके जीवन की आखिरी रात थी, फसा शुरू हुआ और अगले दिन फसा खत्म होता है सनसेट से। तो यीशु मसीह फसा का बर्रा है, फसा का मेमना तू खुदावंद यीशु मसीह है। वही बर्रा है जो आपके और मेरे लिए, जिसके बदन को तोड़ा जाना है। तो वो खुद मनाता है फसा को, खुद सेलिब्रेट करता है। किस चीज को? कि कैसे इसराइलियों को मिस्र से यहोवा ने छुड़ाया,
बर्रे के खून के वसीले से, और उन्होंने अखमीरी रोटी खाई बिना खमीर के और कड़वा साग पात खाया। उन्होंने अपने दुखों को याद किया जो दुख उन्होंने भोगे मिस्र में, लेकिन वो बहुत आनंदित थे क्योंकि उस रात मौत उनको बाईपास कर गई बर्रे के खून के वसीले से। यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी याद में यही किया करो। व्याधि के बाद यीशु मसीह ने कटोरा लिया और शुक्रगुजारी की और कहा, नए यहदनामे का ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये ब्लेसिंग का कप था, बरकत का। उसने बरकत का कप हमारे लिए उठाया। भाइयों बहनों, ये प्याला बरकत का है, ये रोटी यीशु मसीह की देह की अखमीरी रोटी है, उसका जलाली डीएनए है हमारे लिए। हालेलुया, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जो प्रकाशन देता है, एंड पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन से आप पढ़ सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। फॉर आई हैव रिसीव्ड ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पे कई ट्रांसलेशन में लिखा फॉर आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड पर्सनली, आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ लिखा है, प्रभु खुद से पर्सनली ये रेवलेशन देते हैं। विच ऑल्सो आई डिलीवर्ड अन टू यू दैट द लॉर्ड जीजस द सेम नाइट इन विच ही वॉज बिट्रेड टुक ब्रेड, वेन जीजस वॉज बिट्रेड ही टुक द ब्रेड। हालेलुया, इट वॉज द नाइट ऑफ हिज बिट्रेयल, वेन हिज बिट्रेयर वॉज गोइंग टू कम एंड किस हिम इन द फोरहेड, द किस ऑफ ट्रेचरी, जीजस वॉज गोइंग टू रिसीव अ किस ऑफ ट्रेचरी, एंड वेन ही हैड गिवन थैंक्स ही ब्रेक इट एंड सेड, टेक ईट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, दिस डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। आफ्टर द सेम मैनर ऑल्सो ही टुक द कप वेन ही हैड सप्ड सेइंग, टेक दिस कप इज द न्यू टेस्टामेंट इन माई ब्लड, दिस डू ई एज ऑफ्ट एज ई ड्रिंक ऑफ इट। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि महीने में एक बार ही करना है, संडे को ही करना है, यहां पर लिखा एज ऑफ्ट एज ई ड्रिंक, जब भी आप करो, जितनी बार मर्जी करो प्रभु भोज, एज ऑफ्ट एज ई ड्रिंक इट ई रिमेंबर इन रिमेंबरेंस ऑफ मी, फॉर एज ऑफ्टन एज ई ईट दिस ब्रेड एंड ड्रिंक ऑफ दिस कप ई शो द लॉर्ड्स डेथ टिल ही कम। हालेलुया, यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना, हालेलुया, यीशु मसीह की जलाली देह में ये पार्टिसिपेशन है। लीजिए प्रभु भोज की रोटी को। हालेलुया, खुदावंद ये तेरी जलाली देह, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मुझे धो अपने लहू से, मुझे शुद्ध कर, मेरी रूह जिस्म जान को शुद्ध कर, तेरा खून खुदावंद मुझे इस रोटी में से खाने उस प्याले में से पीने के लायक बनाए। खुदावंद मेरे सारे अपराध गुनाह जो अनइंटेंशनल भी हैं उन्हें बर्रे के खून से धो दे। खुदावंद मुझे प्रभु जी स्वस्थ जीवन और दीर्घायु लॉन्ग लाइफ मिले, पर्पज फुल पर्पज ड्रिवन लाइफ मिले। खुदावंद तेरा धन्यवाद। जितने लोग प्रभु हालेलुया खुदावंद इस सैक्रामेंट में पवित्र खुदावंद इस बात में शामिल हो रहे हैं, एक एक को बरकत दे, ये प्रभु भोज तेरे लोगों को चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है, यीशु मसीह का खून रेनु कहाँ खोला, यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया जाता है। खुदावन आपकी देह के लिए, आपके खून के लिए आपका धन्यवाद। आइए हम यीशु मसीह की देह में शामिल हों सभी। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, यीशु मसीह के जलाली खून के लिए प्याले में शामिल होइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद।
आपकी जलाली देह के लिए, आपके पवित्र खून के लिए, आपके लोगों को नया मसा मिले, नई कुवत मिले, चंगाई मिले, आपकी भरपूरी मिले खुदावन। हालेलुया, हम आपके नाम को जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, आपके उपवास का बड़ा प्रतिफल आप देखने पाएंगे और आप गवाही देंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत बरकतें मिली हैं फास्टिंग्स में, खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने खून के साए के नीचे बना के रखे, और हम लोग फ्राइडे को एक सेमिनार टाइप है, वहाँ काफ़ी पास्टर इकट्ठा होंगे, विश्वासी भी होंगे, वहाँ पे मीटिंग में होंगे, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर आप सब मेरे साथ मिलके सुदेश कुमारी के लिए दुआ मांगे। खुदावन जी, सुदेश कुमारी के जीवन पे आपके लहू को छिड़कते हैं, दया कीजिए उस पर, उसके खुदावन ब्लड काउंट को, प्लेटलेट को बढ़ा दीजिए, उसे जीवन दे दीजिए, ताकि वो और उसका घराना आपके चरणों में आ जाए। खुदावन मैं आपका लहू उसके जीवन पे छिड़कता हूँ। खुदावन मैं आपसे विनती करता हूँ, आप रफाइल को भेजें, द एंजल ऑफ हीलिंग अराउंड हर, उसके घराने की आंखें खोलें आपको ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड कीप यू, मे द लॉर्ड लिफ्ट अप हिज काउंटेनेंस, एंड मे द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू, एंड मे द लॉर्ड ग्रांट यू शालोम, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।